लाहौर में बारिश का 30 साल रिकॉर्ड टूट गया। पूरा शहर अर्बन फ्लडिंग की जद में आ गया। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक। मिसी शाह में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। कच्ची कोठी में एक बच्चा पानी में डूबकर जाँ बहक। शहर में हर तरफ पानी ही पानी, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरहम। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल, निज़ाम ज़िंदगी मअतल हो गया। बिजली के कई फीडर्स ट्रिप होने से मुतअद्दिद इलाके तारीकी में डूबे रहे। लाहौर में शदीद तूफानी बारिश के बाद लेस्को की बिजली तंसीबात को शदीद नुकसान। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त और बिजली के पोल्स गिरने से बिजली की सप्लाई मुतासर। प्री मानसून बारिशों ने लाहौर को विनिस बना डाला। सबसे ज्यादा बारिश लक्ष्मी चौक में 290 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। ताजपुरा में 225, निश्चर टाउन में 240, पानीवाला तालाब में 213, जौहर टाउन 235, जबकि कुर्तबा चौक में 232, गुलशन रावी में 225 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास, गुलबर्ग, मक्का कॉलोनी, फिरदौस मार्केट अंडरपास में भी पानी जमा। दारोगा वाला, सिप नहर, भट्टा दीन मोहम्मद और नवाही इलाकों में पानी घरों में दाखिल। शादरा में भी बेशतर मकीन रात से पानी में बैठे रहे। शेखोपुरा, गुजरावाला, सियालकोट, नारोवाल, शक्करगढ़, ननकाना साहब समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी। लाहौर में बारिश का पानी, जनरल अस्पताल में दाखिल। आउटडोर में पानी जमा होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया की बरवक काविशों से पानी क्लियर कर दिया गया। दूसरी जानिब रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में बिजली का तवील ब्रेकडाउन, तमाम उमूर ठप हो गए। तमाम वार्ड, लेबॉरेटरी, एक्सरे मशीनें बंद पड़ी रहीं। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर शहर का दौरा। निगरान वज़ीर-ए-आला की 6 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। कहते हैं कि रात 9 बजे बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के है। कोशिश है इससे पहले पहले सुबह होने वाली बारिश का पानी निकाल लिया जाए। शहर में पानी निकालने के लिए 159 पंप्स काम कर रहे हैं। इतनी बारिश हुई कि शहर में सब जगह एक साथ पानी निकालना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हो चुका। अब डिफॉल्ट का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। IMF माहिदे की मुकम्मल पासदारी करेंगे। CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि CPEC मंसूबा अब नया रुख इख्तियार करेगा। गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन से ताल्लुकात ख़राब करने में कोई कसर ना छोड़ी। इत्तेहादी हुकूमत ने मिलकर पाक चीन ताल्लुकात को दोबारा बहाल किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की सफ़ीर अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। इसहाक डार ने IMF से कामयाब स्टाफ लेवल माहदे से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर का मौशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती पॉलिसीज पर एतमाद का इजहार। वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने दो तरफ़ा इक्तसादी तजारती ताबुन और सरमायाकारी के फ़रोग़ का यकीन दिलाया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई के केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने कल केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अदालत ने चेयरमैन PTI को कल ज़ाती हैसियत में तलबी के नोटिस जारी कर दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 7 रोज़ में सेशन कोर्ट को फैसला करने का हुक्म दे रखा है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का इजलास मुलतवी। सुप्रीम अपलेट कोर्ट ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाब के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। सुप्रीम अपलेट कोर्ट ने स्पीकर GB असम्बली को तलब कर दिया। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। चारों वज़रा आला समेत कमेटी के अरकान इजलास में शरीक होंगे। और ICC के सालाना इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करेगा। PCB ने 9 जुलाई से डर्बन में शेड्यूल इजलास में मुतवक्के चेयरमैन ज़का अशरफ की शिरकत की प्रेस रिलीज जारी कर दी। गलती का एहसास होने पर चंद मिनट में बाद में डिलीट कर दी। PCB इजलास में पाकिस्तानी शायकीन के वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने का मामला उठाएगा। ICC अभी तक पॉलिसी का ऐलान नहीं कर सका।